फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग शशि जी, गुड थैंक यू. मॉर्निंग नीलम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड अग्रीइंग फॉर दिस इंटरव्यू. इट्स माय प्लेजर टू इंटरव्यू यू. थैंक यू सो सो मच। या एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद योर स्टोरी एंड आई थिंक इट शुड गो टू एवरी वन एंड दैट्स द रीजन वी आर डूइंग इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग. तो आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आप किस रेस की तैयारी कर रहे हैं अभी? Currently, I'm training for 24-hour running. It's a 24-hour stadium run, which will happen in January 2023 in New Delhi. ओके तो अभी अगर हम आज दिसंबर 7th पे हैं और यू हैव अराउंड 1.5 मंथ्स फॉर इट, और आपने लास्ट रेस कौन सी की थी? लास्ट रेस मैंने की थी 27th ऑफ नवंबर को अहमदाबाद में। इट वाज अडानी अहमदाबाद मैराथन, जस्ट 10 डेज बैक. ओके, आफ्टर अ फुल मैराथन मुझे लगता है एक साल का रेस्ट चाहिए एंड यू आर अगेन प्रिपेयरिंग फॉर 24 आवर्स इन जस्ट 2 मंथ्स. गॉड, मतलब सुन के थकावट हो जाती है. आई डोंट नो इसकी प्रिपरेशन कैसे रहती होगी, आई कांट इवन इमेजिन, बट नाइस. सो मैम, आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग. हाउ डिड दिस रनिंग कम इन टू बींग? लाइक आपने कैसे सोचा, यू नो, दिस रनिंग थिंग, हाउ डिड इट रियली अपियर इन द पिक्चर एज सच? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्टेड रनिंग आई वॉज इन टू फिटनेस. तो इट वॉज द ईयर 2015, येस आई रिमेम्बर. तो माई एज वॉज अबाउट 34 35 ईयर्स एट दैट टाइम. आई ऑलरेडी हैड टू चिल्ड्रन और वन डे सडनली आई रियलाइज दैट आई वॉज क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड आई वॉज गेटिंग टायर्ड वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स. तो मुझे भी स्ट्राइक हुआ कि आई एम हार्डली 35 और मैं थक रही हूँ सीढ़ियां चढ़ने में. तो मुझे लगा कि एम आई गेटिंग ओल्ड, यू नो, और मेरा वेट भी ज्यादा था उस समय. माई हाइट इज 160 सेंटीमीटर और उस समय मेरा वेट था अबाउट 58 kg, थोड़ा हायर साइड में था. तो मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. I did not want to be out of shape and I did not want to, you know, feel like I'm getting old. So, तब मुझे एक अंदर से एक कहना चाहिए ना, अवेकनिंग हुई कि मुझे अपनी फिटनेस के लिए कुछ करना है. और मैंने फिर उन दिनों वर्कआउट्स करने शुरू किए घर पे ही, मतलब वर्कआउट्स यूट्यूब में वर्कआउट के वीडियोस मैंने देखा. उसमें कई किस्म के वीडियोस हैं, कार्डियो, आप घर पे कार्डियो कर सकते हैं. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. मतलब पसीना आता है उसके बाद आपको यू फील लाइट एंड गुड. तो उससे मेरा मोटिवेशन बना रहा. तो मुझे इतना मजा आने लगा कि मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई. फिर मैंने इक्विपमेंट्स बाय करने शुरू किए, जैसे डम्बल्स वगैरह, अलग अलग है ना, फ्री वेट्स. और फिर मैंने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग घर पे करना शुरू करा वीडियोस देख के. और ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने किक बॉक्सिंग वर्कआउट होते हैं तो वो सब करना शुरू करा. तो धीरे धीरे मुझे इसके इतने बेनिफिट्स होने लगे कि विद इन अ ईयर मेरा वेट जो है 58 से 50 हो गया. और बॉडी टोन्ड हो गई और मतलब मैं आई स्टार्टेड लुकिंग यंगर, एनर्जी लेवल ऊपर आने लगा और मैं फिर से एनर्जेटिक फील करने लगी. तो इस फिर मतलब मोटिवेशन इतना ज्यादा था कि मैंने फिर उसको रोका नहीं. और 2015 से मेरी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट हुई और मैं कंटिन्यू करती रही उसको. 2018 तक मैं क्या करती थी, रेगुलरली वर्कआउट्स करती थी, डेली 1 आवर. संडे को मैं आराम करती थी, रिमेनिंग 6 डेज में वर्कआउट्स करती थी. तो 2018 में जाकर मेरे को पता नहीं एक मन में आया कि मतलब व्हाट नेक्स्ट, मतलब मैंने ये सब अचीव कर लिया, आई एम लुकिंग नाइस, आई एम फिट, आई एम लुकिंग यंग, नाउ व्हाट नेक्स्ट. तो उन दिनों क्या था, आई एम एन एनसीसी ऑफिसर. तो हमारे शहर में एवरी ईयर एक मैराथन होती थी जिसमें एनसीसी कैडेट्स को वॉलंटियर्स मांगते थे कि आप एनसीसी के कुछ कैडेट्स दीजिए जो मेडल वेडल पहनाएंगे. तो वहां से थोड़ा मुझे पता चला कि हाँ भाई, मैराथन भी कोई चीज होती है. तो जस्ट एक दिन मेरे मन में स्ट्राइक हुआ कि आई शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, है ना. और फिर मैंने रजिस्टर किया और मेरे पास करीबन 1.5 महीने का टाइम था और मैंने ट्रेन करना शुरू करा ऑन माई ओन. सिंस आई वॉज ऑलरेडी सो फिट एट दैट टाइम, इट डिडंट टेक मी मच टाइम टू, यू नो, गेट अकस्टम टू रनिंग. हाँ, तो और ज्यादा मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली. मैंने नॉर्मली एक ट्रेनिंग प्लान इंटरनेट से डाउनलोड किया कि हाउ टू ट्रेन फॉर अ हाफ मैराथन.
तो उस प्लान में क्या था, ऑल्टरनेट डेज रन करने को बोला था और एवरी संडे माइलेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, जैसे कि 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 16, 18, वो प्लान मैंने फॉलो किया। और 1.5 महीने बाद मैंने पहली हाफ मैराथन दौड़ी और उसमें मेरा 6th पोजीशन आ गया ओवरऑल। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मैं पहली बार हाफ मैराथन दौड़ा, 6th पोजीशन आ गया ओपन कैटेगरी में। तो फिर उससे मेरे को मोटिवेशन आया कि हाँ, मतलब मैं इसको सिंसियरली करूंगी तो मे भी मेरा जो है टॉप 3 में भी आ सकता है। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर बहुत सारे इवेंट्स किए, फिर लोगों से मिले, कनेक्ट हुए, फेसबुक में फोन एक्सचेंज हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए। तो फिर मतलब इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सो हियर आई एम नाउ इन फ्रंट ऑफ यू एन अल्ट्रा रनर आल्सो नाउ। राइट, तो मैंने आपकी बहुत रिसेंटली एक वीडियो देखी थी और मैंने उसमें यही देखा कि आप फोन का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू ऑलवेज से दैट यू कैन लर्न अ पुश अप एक फोन की ऐप से, और आप अपना ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर सीखना चाहे। इनफैक्ट मैंने जो अपना फर्स्ट हाफ मैराथन ट्रेन करा वो फोन से ही किया, क्योंकि प्लान तो फोन में ही इंटरनेट से डाउनलोड किया था मैंने। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि अगर इंसान चाहता है कुछ तो वो कुछ भी कर सकता है। फोन में सब कुछ आजकल नॉलेज बहुत ज्यादा आपके पास रेडीली अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई एम्बिशन है, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कोई एम है, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। मतलब नॉट ओनली फोन, यू कैन टॉक टू पीपल, एक्सपीरियंस्ड पीपल को से कॉन्टेक्ट करके मैं कैसे ट्रेन करूँ, मैं थक जाती हूँ दौड़ते दौड़ते, मैं क्या करूँ। तो देयर आर वेज, इफ यू वांट, इफ देयर इज, कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। एब्सोल्युटली। तो आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की 2015 में और रनिंग जर्नी स्टार्ट की 2018 में। 2018 में, या आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं। आई वॉन्ट टू लिसन टू दैट साइड ऑल्सो, उनका क्या रिएक्शन था, उनको क्या लगा कि मम्मी को पता नहीं क्या भूत चढ़ गया है, या दे वर ऑल्सो इंस्पायर्ड कि ओ हमारी मम्मा ये करती है जो किसी की मम्मी नहीं करती। हाउ वाज दैट? वेल, मेरे चिल्ड्रन दे वर सो यंग व्हेन, सिंस द टाइम दे सॉ मी यू नो वर्किंग आउट ऑन अ डेली बेसिस, माय सन वाज इन क्लास 2nd, डॉटर वाज जस्ट 2 इयर्स ओल्ड। सो हाँ, तो उनको तो मतलब इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, क्योंकि उनको लगता है कि दे थिंक आई एंजॉय इट बेसिकली। बिकॉज कभी कभी मैं उनको बोलती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करते, जस्ट लुक एट मी, आई एम सो हार्ड वर्किंग, और तुम लोग 2 घंटा ढंग से एग्जाम है कल, तो पढ़ने के लिए भी तुम्हें लगता है यू कि हम थक गए। तो वो मुझे यही बोलते हैं कि मॉम यू एंजॉय रनिंग, तो यू डोंट कंपेयर योर रनिंग विद आवर स्टडी। ये काम करना है, ये तो खेलना हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो है उनके लिए लाइक बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, बट जब मैं प्राइज जीतती हूँ तो दे फील प्राउड, यस। और जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी मॉल में जाते हैं, KFC वगैरह जाते हैं, तो वहां पे लोग मुझे मिलते हैं तो फोटो वोटो सेल्फी खींचते हैं, और तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मॉम को सब जानते हैं, और जो थोड़ा फेम जुड़ा हुआ है जो भी मुझे मिला है रनिंग से, तो उससे मेरे बच्चे दे फील special because they are my children, that's it. That's really nice. And how about Shashi ji, your husband, how did he take it as such? In the beginning he was very supportive because he understood that main half marathon kar rahi hu, full kar rahi hu, to jisne zero se start kiya hai wo kuch achieve kar raha hai, to he was very supportive. But then when main excess mein karne lagi, jaise ultras karne lagi, तो ही गॉट लिटिल स्केयर्ड ऑल्सो, एंड कि भाई तुम ज्यादा, दिस इज नॉट योर एज टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो वो थोड़ा सा उनकी तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस आई फेल्ट। बट हाउएवर ही अंडरस्टूड विद टाइम दैट या दिस इज माई पैशन, एंड विद प्रॉपर ट्रेनिंग आई कैन सेफली डू इट, एंड आई एम यू नो मेकिंग अ गुड नेम एंड गेटिंग फेम। तो फिर नाउ ही इज टोटली विद मी एंड वेरी सपोर्टिव। That's nice. I think वो कहते हैं ना, अपने अंदर निश्चय पूरा होना चाहिए। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट है ना, तो कहीं ना कहीं दूसरे को थोड़ी देर बाद समझ में आ ही जाता है। नहीं हाँ, और इसमें ऐसा है ना, अल्ट्रा रनिंग जो मैं करती हूँ, मैं मैराथन भी करती हूँ, अल्ट्रास भी करती हूँ, द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दैट आई हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस, वो फैमिली के सपोर्ट के बिना इज वेरी डिफिकल्ट।
Absolutely. So that way, my husband is very supportive. Even my mother-in-law, she lives with us. We are together. So she is also extremely supportive because Sundays, I am out from the house for say 4 to 5 hours straight in the morning. So I don't have to worry about like breakfast and other morning chores. They do it, my husband and my mother-in-law. And now they have accepted it and they understand that this is something I must do. I have to do being a runner. So unke support ke bina, I don't think matlab main kar pati. Awesome. It's so nice to hear that. Very nice. Very good. Achha, ab iske baad apne 2018 ki half marathon to kar li hai na. Uske baad, let's go to Pune wala half marathon where you were thinking that probably you will get some podium or so. Uske baare mein kuch bataiye. Main bahut acche se janna chahti hu. Yeah, it was the year 2019, November 2019. मुझे रनिंग शुरू किए हुए बियरली वन ईयर के ओवर हुआ था और उन दिनों में काफी एम्बिशियस थी वो तो मैं आज भी हूँ तब भी थी तो मैं नहीं चाहती थी कि जस्ट एक रेस जाके आपने फिनिश कर ली और इवन पीवी कर लिया मैं चाहती थी कि मैं रेस में जा रही हूँ तो मेरा प्राइज आना चाहिए चाहे मेरा ओवरऑल में आए या मेरी एज कैटेगरी में आए इफ आई हैव पार्टिसिपेटेड आई वांट टू जस्ट ब्रिंग बैक समथिंग लाइक या दिस आई हैव वन तो और आई वेंट टू पुणे फॉर अ हाफ मैराथन और पुणे इज अ प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ गुड रनर्स पुणे में फीमेल्स भी मेल भी बहुत अच्छे रनर्स वहां पे हैं इवन होल महाराष्ट्र में है मैराथन में आप वहां पे पोजीशन लाना आसान नहीं है तो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट रेस टाइमिंग तो मुझे याद नहीं है शायद 151 में किया होगा मैंने है ना और मेरा जो है पोजीशन नहीं आया हाँ पोडियम नहीं आया इवन एज कैटेगरी में भी मेरा पोजीशन चौथा या पांचवा था तो आई वाज वेरी डिसहार्टन तो एंड आई फेल्ट लाइक बिकॉज फ्रॉम माय साइड आई रन माय बेस्ट डिस्पाइट दैट आई गॉट सच अ लो पोजीशन दैट टू इन माय एज कैटेगरी So I was very, very disappointed. I thought, and the women who were first in my category, they had a timing like 140. Yeah. And I was thinking, 140, oh my God, I can never run that fast. So ek negativity mind mein set ho gayi, ki main 140 to main nahi kar paungi, aur utna tej main kaise bhagungi. So main wahan se thoda demotivate hui, aur mujhe laga ki, I don't want to do this. I would rather switch to ultra running, because ultra running mein kya hota hai? Any distance which is more than 50 kilometers is ultra. Okay. उसमें you don't have to worry about like तेज भागना है. आपका main focus होता है आपने अपना long distance पूरा करना है, है ना? तो फिर हमारी I am from Dehradun. तो हमारी शहर की का एक बहुत ही famous event है जिसको बोलते हैं गढ़वाल runs, which starts from Dehradun और ये गढ़वाल मसूरी hills में आगे जाकर धनौल्टी तक very challenging very difficult that run to mr arun bhardwaj ji nahi ye lalta karate hai na mujhe naam sir ka yaad nahi aa raha lalta karate hai wo log karate hai usko acha ek dr rajat hai na wo karwate hai ha dr rajat right acha ye unka run hai okay तो मैंने उसके लिए रजिस्टर किया मैंने मुझे लगा मैं 74 किलोमीटर ये करूंगी और एक मिनट एंड्योरेंस था एक मिनट शशि जी मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करती हूँ अब आप 2018 में आपने रनिंग स्टार्ट की आपने इनिशियली ही हाफ मैराथन से आपने स्टार्ट किया नवंबर 2019 पे पहुंच गए हाफ मैराथन आपने किया जहाँ पे आपने सोच लिया अब आप अल्ट्रा मैराथन में जाएंगे अल्ट्रा मैराथन 50 अब फुल मैराथन कभी पिक्चर में ही नहीं आया नहीं नहीं मैंने फुल मैराथन भी किया था उससे पहले अच्छा मैंने आपको बताया नहीं हाँ किया था फुल मैराथन भी किया था मैंने पहले लेकिन मैराथन फुल मैराथन दोनों ही इज अबाउट स्पीड ओनली लाइक इफ यू वांट टू विन अ पोडियम यू हैव टू रन फास्ट राइट ओके स्पीड ट्रेनिंग इज अ मस्ट फॉर दैट यू नो ओके तो अपने ये फुल थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके आती हूँ ये अपने फुल मैराथन अप्रोक्सीमेटली कब किया 2019 मैंने जब ट्रेन करना शुरू करा आई वॉज ट्रेनिंग मतलब व्हेन आई वॉज कंसिस्टेंटली डूइंग वेल तो मैंने उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करके मैंने फुल के लिए भी ट्रेन किया व्हाइल आई वॉज ट्रेनिंग मैं 35 किलोमीटर का लॉन्ग रन कर चुकी थी एक बार without any help and without anyone to guide me
एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई स्टिल रिमेम्बर, बिकॉज मेरे पैर इतना ज्यादा मतलब ऐसे वो हो गए थे, दर्द बहुत हो रहा था वापस आने के बाद, आई कुडंट मूव एट ऑल. तो वो मेरा है, विल पावर बहुत है. तो मैंने ट्रेन योरसेल्फ फॉर फुल मैराथन एंड यू फिनिश्ड अ फुल मैराथन एक वीक के बाद हाफ मैराथन. या दैट मींस अपने 2 महीने के अंदर अंदर रनिंग, 2 महीने के अंदर. हां हां, 2 महीने लगे, पहले हाफ करा, एक वीक बाद फुल किया. और फुल में पहला वाला था मेरा ये कोई 4 hours 45 minutes में मेरा हुआ था. हां ओके, तो एब्जॉर्ब करने के लिए एक बार और किया मैंने बीच में. 2 full कर चुकी थी मैं. दो फुल कर चुकी थी मैं. 2-3 okay. ऐसे याद नहीं आ रहा मेरे को. उसके बाद जाके मैंने अल्ट्रास, तो मैंने फिर 2019 में पहला जो मैंने अल्ट्रा किया, नहीं 2020 में पहला अल्ट्रा किया था, दैट वाज गढ़वाल रन्स, जो कि डॉक्टर रजत कराते. ओके, तो उसमें मेरा, मैं आई केम फर्स्ट अमंग फीमेल. 10 hours 44 minutes में आई डिड 72-74 kilometers विच वॉज टोटली इन द हिल्स एंड बहुत एलिवेशन था. तो वहां से तो फिर मतलब मेरी बहुत पहचान हो गई लोगों से, जो अल्ट्रा रनिंग कम्युनिटी से काफी कनेक्टिविटी हुई, लोग मुझे फॉलो करने लगे, और इतना मेरा मैं थोड़ा बहुत नाम हो गया कि मैं फिर मुझे लगा कि या नाउ आई वांट टू डू दिस. तो फिर तो मैंने अल्ट्रा काफी किए, 24 hours किया, टफ मैन का टफ 24 hours. उसके बाद 24 hours मैंने दोबारा किया एनईबी का दिल्ली में, जिसको इंडिया ओपन भी नाम दिया गया था तब. और तीसरी बार 24 hours दोबारा 3 times कर चुकी हूँ मैं. तीसरी बार एशिया ओशियाना चैंपियनशिप में किया. तो लेकिन फिर मैंने इतना सारा अल्ट्रा करने के बाद आई डिसाइडेड टू कम बैक टू मैराथन बेसिकली. ओके शेषी जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं. अब आपने गढ़वाल कर लिया 74 kilometers 2020 में, उसके बाद क्या, उसके बाद आपने क्या सोचा? उसके बाद कोविड केम एंड देन I continued my training on my own. I was training. तो मेरा उन दिनों training का pattern ये रहता था कि my focus used to be to complete 100 kilometers in a week. तो वो मैं maintain कर रही थी. और उसके बाद फिर सोलांग 100K एक ultra होती है, which is the toughest ultra that happens according to me in India. उसके लिए मैंने रजिस्टर किया एंड आई वेंट टू मनाली टू डू दैट 100 किलोमीटर सोलांग. बट उसमें आई वाज डीएनएफ एंड दैट इज द ओनली रेस जिसमें मेरा डिड नॉट फिनिश हुआ है. तो व्हिच वाज डीएनएफ का क्या मतलब है, आप बताएंगे जरा बाकी सब सुनने वालों को? बहुत टफ रेस है वो, बहुत ज्यादा टफ रेस है. 100 किलोमीटर के लिए दे गिव यू 32 hours टू डू इट. Now you can imagine कि कितना tough race होता होगा. पूरा mountains में था. और दूसरा है कि मैं वहां 2-3 times रास्ता भी भटकी, navigation मेरा poor था. I was totally alone रात में, because आगे पीछे कोई आगे कोई पीछे. तो आपके पास कोई crew नहीं था, कोई helper नहीं था? नहीं, वहां पे helper provide करना कराना बहुत मुश्किल है, because mountains में वो जंगलों में और ऐसे ऐसे रास्तों में है कि वहां पे 2-2 kilometers कवर करने में आधा आधा घंटा लगता है. तो आपको जो नेक्स्ट हेल्प अगर कोई मिलेगा तो वो फिर 2 kilometers बाद ऐसी जगह पे मिलेगा जो आप देख भी नहीं सकते, पहाड़ की उस तरफ है, लाइक दैट. अच्छा, ओके. मैंने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत और अपना 100% उसमें दिया और पूरा विल पावर उसमें मैंने इम्प्लीमेंट किया. डिस्पाइट दैट मैं आई कुड नॉट फिनिश इन टाइम, तो दैट वाज क्वाइट अ शॉक टू मी. और वहां से वापस आने के बाद आई स्पोक टू वन कोच, उनका नाम है कटोच, आप जानते भी होंगे शायद. निश्चिंत कटोच है, ही इज अ वेरी पॉपुलर अल्ट्रा कोच. ओके, एंड ही हिमसेल्फ इज एन अल्ट्रा रनर आल्सो. सो आई शेयर्ड विद हिम दैट हाउ डिसहार्टेंड एंड डीमोटिवेटेड आई वाज आफ्टर कमिंग बैक. देन ही सेड टू मी, यू हैव अमेजिंग विल पावर एंड यू आर वेरी स्ट्रांग. सीरियसली मुझे लग रहा ना, यू आर सेइंग यू वर डीएनएफ, यू वर डिसहार्टेंड, बहुत बड़ा डिसहार्टेंड आ गया. पर मैंने देखा आपका गोल सेटिंग ही बहुत ज्यादा फार होता है. लाइक आपने 2018 में रन स्टार्ट किया और 2020 में यू आर अटेम्प्टिंग वन ऑफ द टफेस्ट 100 किलोमीटर एंड देन यू आर डिसहार्टेंड, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट कि आपने अटेम्प्ट किया. उन्होंने मुझे बोला तुमने अटेम्प्ट करने का सोचा, ये भी बहुत बड़ी बात है. और थोड़े से रह गई, तो डोंट थिंक दैट इट इज अ डीएनएफ, डोंट ट्रीट दिस एज अ डीएनएफ एंड जस्ट
this should make you have more faith in yourself. Yes. Or then he told me, if you have so much tremendous willpower, then why don't you apply it to stadium runs? Because वहाँ पे भटकने का, गुम होने का, navigation का कोई issue नहीं है. And he said, I think you can do very well in stadium runs. तो वहाँ से he was the person who told me कि stadium runs भी होते हैं, India को represent करने का opportunity आपके पास है. तो वो रास्ता उन्हें मुझे दिखाया. और इनफैक्ट थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे को गाइड भी किया कि कैसे ट्रेन करना चाहिए, कैसा पैटर्न. ऑल्दो मैंने उनसे रेगुलर ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन ही गेव मी ब्रॉड मतलब आइडिया कि कैसे आप कर सकते हो. तो इस टाइम तक 2020 हम किस मंथ की बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली शशि जी? ये हाँ, मतलब मैं अक्टूबर 2020 में वापस आई थी सोलांग से. हाँ. और वहां से करीब एक महीना मुझे लगा रिकवर होने में. तो दिसंबर से आई स्टार्टेड ट्रेनिंग और मार्च फर्स्ट वीक में आई डिड माय फर्स्ट 24 आवर रन इन चंडीगढ़ पंचकूला. अच्छा, तो अगर हम टाइमलाइंस को देखें, 2020 में आपने एक 74 किया, एक 100 किलोमीटर अटेम्प्ट किया, जहां पे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था कोविड से, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए थी बिल्कुल. और अब तक आपने कभी कोई ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं ली, यू वर ट्रेनिंग बाय योरसेल्फ थ्रू आउट स्टार्टिंग फ्रॉम 2018. और 2021 फरवरी में, आई थिंक इट इज फरवरी, आई वाज देयर इन दैट रन, इसलिए आई रिमेम्बर. आई थिंक इट वाज फरवरी और मे बी मार्च, मे बी समवेयर अराउंड फरवरी और मार्च, मार्च 12 एंड 13, यस यस, उससे पिछली बार फरवरी था, करेक्ट. मैंने उसमें दो बार पार्टिसिपेट किया. तो मार्च 2021 में आपने सोचा आप 24 आवर्स रन करेंगे. अब आपका ग्राफ ऐसा इतना स्टीप ऊपर जा रहा है, 75 देन 100 फिर सीधा 24 आवर्स अटेम्प्ट, है ना? ओके, तो आप थोड़ा सा बताएंगे. पहली बात तो 24 आवर रन क्या होती है, उसमें कॉन्टिन्यूस भागना होता है, या थोड़ा सा आइडिया दीजिए पहले क्या होता है. 24 आवर स्टेडियम रन्स में आप 24 आवर तक कंटीन्यूअसली रन करते हो. आप वॉक भी कर सकते हो, बीच में ब्रेक्स भी ले सकते हो, लेकिन आपका एम होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है. okay. वो तभी पॉसिबल होगा. अब जब ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आप ट्रैक पे रहेंगे तभी आपको पॉसिबल होगा. सुनो, थोड़ा धीरे बोलिए, है ना? तो इसलिए चैलेंजिंग होता है बहुत सारे कारणों की वजह से. पहले यू आर ट्राइंग टू रन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. और दूसरी चीज है कि आपका फूड एंड न्यूट्रिशन प्लेज अ ग्रेट रोल, बिकॉज आपकी बॉडी को दौड़ते दौड़ते खाना खाने की, खाने को पचाने की आदत होनी चाहिए. विच आई एम लकी आई थिंक, बिकॉज मैं मेरी बॉडी जो है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है. मतलब मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ और मुझे दो घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है. मतलब वो मेरा सब पच जाता है बड़ी जल्दी. तो खाने को, क्योंकि आप दौड़ रहे हो, आप खा रहे हो, फिर वो आपकी पेट के अंदर पच के एनर्जी दे आपको, क्योंकि आप इतनी सारी कैलोरीज बर्न करते हो, उतना कैलोरीज को लेते रहना, खाने को पचाना और वो प्रोवाइड करो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसको लोग ट्रेन भी करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, खाना दौड़ना, खाना दौड़ना, ये ट्रेन भी करते हैं. तो मुझे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म वैसे अच्छा है. तो ये कई इश्यूज हैं, बट आई वॉज एबल टू रन 173 किलोमीटर, विच लाइक लॉट ऑफ पीपल सेड कि जो पहली बार 24 आवर करता है, पहली बार में इतना माइलेज नहीं आता है. पर मेरा आ गया, लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को अप्लाई करना पड़ा, बिकॉज आई वॉज नॉट सफिशियंटली ट्रेन्ड फॉर 173 विच आई डिड. क्योंकि मेरी जो बॉडी 100 किलोमीटर के बाद, 12 आवर के बाद ही मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी. आई हैड ट्रेमेंडस पेन इन माय काव्स, इन माय नीज, शिन, एवरीवेयर. सो एंड आई वाज स्ट्रगलिंग सो मच कि आफ्टर 12 आवर्स मेरा पेस 10 मिनट पर किलोमीटर निकल रहा था. और अगर मैं उस पेस पे चलती रहती एंड तक, तो मेरा 125 या 130 ऐसे ही होता. पर मैंने काफी अपने आप को संभाला और अंदर से बोला कि नो, आई वांट टू डू इट, आई एम नॉट गोइंग टू गो होम विदाउट अ ट्रॉफी, बिकॉज़ आई एम वेरी एंबिशियस. या आई डिसाइडेड आई विल गो बैक विद अ ट्रॉफी एंड आई विल टेल माय चिल्ड्रन, यस आई वन पोडियम. सो वो चीज अंदर से, वो थॉट मेरे को अंदर से अग्रेसिवनेस ला रहा था कि आई वॉन्ट टू फाइट ऑफ दिस पेन इज नॉट गोइंग टू कॉन्कर मी, आई एम गोइंग टू कॉन्कर इट. एक बात बताइए, तो ये अग्रेशन,
पेन वॉज या फिजिकल पेन बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने आपको देखा था आफ्टर योर रेस, आप पोडियम तक भी नहीं जा पा रहे थे। आपको पोडियम मिल गया पर आप पोडियम तक चलने लायक भी नहीं बचे थे, आपके पैरों में बहुत छाले थे, बहुत सारे ब्रूसेस वगैरह हुए हुए थे, इतना पेन था लोग आपको पकड़ के लेके जा पाए। बट द थिंग इज, एक तो होता है किसी के साथ कोई घटना हो गई, पर यू इन्फ्लिक्टेड दैट पेन ऑन योर सेल्फ। आपके पास ऑप्शन था, आप रुक भी सकते थे, राइट? वॉट फोर्स्ड यू टू पुश योर बॉडी टिल दैट एक्सटेंट जहां पे आपके लिए चलना मुश्किल हो गया था। पर दिस इज सो अमेजिंग कि ऑल दिस पेन्स एंड एवरीथिंग आई फेल्ट ओनली आफ्टर आई स्टॉप्ड व्हेन आई वाज गिविंग अप, देन आई वाज फीलिंग दैट पेन। बट व्हेन व्हेन आई आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, सो दैट पेन आल्सो वेंट अवे। मैम डिस्पाइट द पेन आई वॉज रनिंग सो फास्ट कि पेन मेरे को फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने माइंड को, मैं यही अग्रेशन का थॉट लाया, नो दिस पेन इज नॉट गोइंग, आई एम गोइंग टू किल दिस पेन, यस आई एम गोइंग टू किल, एंड आई किल्ड इट। इतने घंटे शशि जी कैसे, लाइक मैं समझ सकती हूँ 10-15 मिनट, आधा घंटा यू कैन फाइट ऑफ, यू नो, पर विद यू। वो अग्रेशन जो है ना, वो मेरा ब्लड फ्लो को तेज कर रहा था, वो मेरे ऐसे क्या कहेंगे, कुछ तो रश फील हो रहा था मुझे, जैसे कि यू आर ऑन ड्रग्स, ऐसी फीलिंग थी। वो फीलिंग जो अग्रेशन की फीलिंग है, दैट वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ लाइक समथिंग, जैसे किक आती है, कैफीन ले लिया आपने हाई डोज, ऐसी फीलिंग अंदर से आ रही थी। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन माइंड जो है ना, वो बहुत ट्रिकी है। आप अपने माइंड को यूज करो अपने फेवर में, अपने अगेंस्ट में नहीं। वो आपको, आपका माइंड ही आपको स्लो करता है और आपका माइंड ही आपको तेज दौड़ाता है। बहुत बड़ी बात बोली है आपने, आई थिंक बहुत बड़ी लर्निंग है कि विद योर माइंड यू कैन ओवरकम द फिजिकल पेन आल्सो, जस्ट दैट अपने दिमाग को समझाने वाली बात है बिकॉज ना? क्या 24 आवर रनिंग में पेन इज इनएविटेबल, नो बिल्कुल, मैटर हाउ वेल यू आर ट्रेन, हाँ द जी, पेन इज गोइंग टू कम एंड द पेन इज गोइंग टू हिट यू हार्ड। तो हाँ बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर पेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ विच यू हैव टू अप्लाई इन द रेस, एंड यू कैन, यू विल अप्लाई ओनली ऑन द रेस डे, नॉट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप इतना ज्यादा करोगे ही नहीं, 24 घंटे तो आप उसी दिन भागोगे ना, पर ट्रेनिंग आपको में तो डर आपको नहीं उसी दिन लगा भागना। कि कोई फिजिकल इंजरी हो गई फ्रॉम वेयर यू कुड नॉट रिकवर? आपको मतलब, अब ये आप कैसे जज कर पाते हैं दैट इट इज जस्ट अ नॉर्मल पेन जो 2-4 दिन में चली जाएगी, या इट कैन बी अ साइन ऑफ एन इंजरी? हाउ डू यू डिफरेंशिएट? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे रनर्स इस चीज में स्ट्रगल करते हैं, मतलब यू नीड टू पुश योर सेल्फ बट उस एक्सटेंड तक नहीं कि इंजरी ना हो जाए, तो हाउ डू यू डिसाइड ऑन दैट? वैसे ऐसा है ना, वो एक तो पता तो चल ही जाता है, मतलब आई हैव बीन सो लकी कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि ड्यूरिंग द रेस मुझे पता चले कि नो 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 नो, नाउ दिस इज डेंजरस, नाउ आई कैन नॉट गो अहेड। लकीली इट हैज नेवर हैपेंड विद मी इन द रेस। हाउएवर दिस हैज हैपेंड विद मी इन ट्रेनिंग, लाइक मैं एक दो बार मेरे साथ हुआ है, जब स्पीड इंटरवल मैं कर रही थी, तो मुझे जो टारगेट पेस मेरे कोच ने बताया था कि तुम्हें 1 किलोमीटर 4:20 में निकालना है, 4 मिनट 20 सेकंड में 1 किलोमीटर करना है, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, बिकॉज मैं उस समय तक इतना मेरा स्टेमिना नहीं था। तो मैंने किए, उसने मेरे को 5 बोला था, 5 रिपीटेशन करने, 4 तो मैंने कर लिए, 5वें में मैंने बहुत पुश किया और मेरे पैर में बहुत शार्प पेन आया शिन में। तो मेरे को पता चल गया कि ये गड़बड़ है, एंड आई स्टॉप। उसके बाद मेरे को कूल डाउन करना था, मैं कूल डाउन भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं, मेरे को वॉक करने में दर्द हो रहा था। वो दर्द मतलब आपको पता चल ही जाता है कि भाई, समझ रहे हो? तो ये मेरे ट्रेनिंग में हुआ है, रेसिंग में कभी नहीं हुआ। हाँ, मैंने माउंटेनियरिंग भी की है, मतलब आई एम एन एनसीसी ऑफिसर, वंस आई हैड गॉन विद एनसीसी गर्ल्स टीम टू माउंटेन्स, मतलब माउंटेनियरिंग जो प्रॉपर टेक्निकल माउंटेनियरिंग होती है, वहां पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। व्हेन आई वाज जस्ट 200 मीटर शॉर्ट ऑफ द व्हाट यू कॉल इट, समिट, समिट से 200 मीटर पीछे, आप कहने का तो 200 मीटर है, लेकिन वो 200 मीटर करने में आपको बहुत टाइम लगता है, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल इतना लो होता है कि एक स्टेप आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। तो देन ऑल्सो आई हैड दिस फीलिंग की नो, नाउ दिस इज डेंजरस, बिकॉज आई वॉज हैविंग वेरी स्ट्रेंज सिक फीलिंग, कि गट के अंदर एक फीलिंग होती है कि हाँ। तो मेरे को उस समय आई कुड हैव सबमिटेड अगर, लेकिन मैं अपनी लाइफ को एंडेंजर करके थोड़ी सबमिट करना चाहूंगी, नो बडी वुड डू दैट। तो ऐसा है ना, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो आपको क्लियर सिग्नल दे देगा कि नाउ इट इज डेंजरस एंड यू नीड टू स्टॉप और स्लो डाउन। तो वो तो हो जाता है, वो व्हेन यू डू इट यू विल नो इट।
बोले इसका और कोई तरीका नहीं है, यू हैव टू डू इट टू अंडरस्टैंड हाउ टू नो कि वो पेन है या फिर वो इंजरी तरफ जा रहा है. वेरी नाइस. ओके, तो अब हम आते हैं 2020 का. आपका 24 आवर्स हो गया एंड आई एम श्योर इस बार आप खुश होंगे अपने आप से. हाउ वाज द फीलिंग? बट यू नो आई वॉज डूइंग क्वाइट वेल इन 24 आवर्स. आई हैव डन 3 टाइम्स. हाउएवर आई कुडंट डू गो बियॉन्ड 184 किलोमीटर विच वॉज माई लास्ट. आई वॉन्टेड टू डू 200 प्लस बट आई कुड नॉट डू इट डिस्पाइट प्रॉपर ट्रेनिंग आई डिड. प्रॉबली इट वॉज प्रॉपर ओनली माइलेज वाइज इट वॉज क्वाइट प्रॉपर बिकॉज आई वॉज डूइंग लाइक 150 किलोमीटर पर वीक. मैंने काफी ट्रेन करा. मेरा जो प्रीवियस 24 आवर था विच वॉज एशिया ओशिया चैंपियनशिप, तो मेरा फोकस था उसमें 200 क्रॉस करना विच आई कुडंट डू. तो देन ऑल्सो वेन आई केम बैक आई फेल्ट डिसहार्टेंड वंस अगेन. सो बट देन आई डिसाइडेड दैट डे आई डिसाइडेड कि अंटिल नाउ आई हैड बीन गोइंग विदाउट अ कोच. नाउ इज द टाइम आई शुड टेक हेल्प ऑफ कोच बिकॉज आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग. अच्छा, आई एम स्टैंडिंग वेयर आई एम, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड. सो मेबी दिस इज द टाइम नाउ आई शुड टेक हेल्प. तो हम बात करते हैं अपने मार्च 2021 में फर्स्ट 24 आवर्स किया जिसमें 173 किया. उसके बाद अपने 2021 में ही मैंने दिसंबर में दूसरा किया था. अच्छा, 21 में ही दिसंबर में दूसरा किया जिसमें कितने हुए? 184. ओके. और उसके बाद तीसरा आपने कब किया? 22 में किया विच वॉज एशिया ओशिया चैंपियनशिप, जुलाई 22 में किया. अच्छा, ओके, जुलाई 22 में मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ. अगेन आई डिड ओनली 184. अच्छा, दैट इज व्हाई आई फेल्ट कि आई एम डिस्पाइट मोर ट्रेनिंग मोर माइलेज एशिया ओशिया के लिए मैंने ज्यादा माइलेज किया, ज्यादा ट्रेनिंग किया, पर अपने आप किया विदाउट हेल्प और मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ. 184 पहले था, अभी भी 184. देन आई थॉट कि नो 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 आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग, सो मे बी आई शुड चेंज माई ट्रेनिंग एंड टेक हेल्प, किसी से पूछे कि कैसे करें करके. तो तब मेरी बात हुई एक कोच है, उनका नाम श्रवण कुमार है. वो सर्टिफाइड कोच है, एयरफोर्स की टीम्स को ट्रेन करते हैं अल्ट्रास और मैराथन्स के लिए. तो उनको मैं जानती हूँ पर्सनली क्योंकि रेसेस में कई बार मिले हैं मुझे वो, उन्होंने मेरे को रनिंग करते हुए भी देखा है. और तो मैंने उनसे बोला कि रिक्वेस्ट किया, ही अग्रीड टू ट्रेन मी एंड ही टोल्ड मी कि मैम यू डू वन थिंग. अभी कोई इवेंट चल नहीं रहा है फिलहाल, कोई 24 आवर अभी तो है नहीं, अभी 6 महीने बाद होगा. तो ये जो ऑफ सीजन है इसमें आप ऐसा करो अपना फिटनेस लेवल इंप्रूव करो. ओके. और फिटनेस लेवल इंप्रूव अल्ट्रा से नहीं होगा. फिटनेस इंप्रूव करने के लिए मैराथन ट्रेनिंग में आपको वापस आना पड़ेगा, स्पीड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. क्योंकि जो अल्ट्रा रनर्स होते हैं ना वो स्पीड ट्रेनिंग बहुत कम करते हैं, वो ज्यादातर मतलब माइलेज का ही करते हैं, है ना. तो हाँ, तो उन्होंने बोला आप स्पीड ट्रेनिंग करो और अपना स्टेमिना बढ़ाओ और अपना फिटनेस लेवल इंप्रूव करो, मतलब ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है बॉडी की वो बढ़ाओ, VO2 मैक्स को बढ़ाओ. तो वो तो तेज भाग कर ही होगा. तो ही एडवाइज्ड मी टू डू मैराथन ट्रेनिंग. सो मैं वापस मैराथन में आई और उनके साथ मैंने 3 महीना ट्रेनिंग किया. तो उसके मेरा मैसिव इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब मेरी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई. मैराथन की टाइमिंग मेरी पहले थी 3 hours 59 minutes was my best, है ना, which I did on my own without help. और इनके साथ ट्रेन करके तो मेरा इतना इम्प्रूव हुआ, अभी मेरा now it is 3 hours 37 minutes. Just 3 months की मैराथन ट्रेनिंग में मेरा इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट उन्होंने करा दिया. तो अब हाँ, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स घूम जाएंगे, मतलब सुनने वाले घूम जाएंगे, उनको समझ में आना जरूरी है. तो हम बात कर रहे हैं आप जुलाई में 24 आवर्स करके आए एशिया चैंपियनशिप और उसके बाद आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की कोच के साथ श्रवण कुमार जी के साथ अगस्त के आसपास, है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर और आज हम बैठे हैं दिसंबर में, है ना. तो मे बी समवेयर अराउंड दीज 3 months और आप बोल रहे हैं आपने 3 hours 59 minutes खुद ही फुल मैराथन कर ली थी, जिसके बाद जब आपने सोचा था अब मैं मैराथन नहीं करूंगी, बट ही वाज दैट वन पर्सन जिसने आपको वापस मोटिवेट किया कि टू इम्प्रूव योर फुल मैराथन टाइमिंग्स, है ना. एंड ओके, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी कोचिंग में क्या डिफरेंसेस हुए हैं, लाइक आपको क्या फर्क लगा कोच के साथ और अपने आप, मतलब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये था कि अंटिल नाउ आई हैड नॉट बीन डूइंग विद लाइक स्पेस स्पेसिफिक रन्स, कि ऑन अ सर्टेन डे यू हैव टू रन अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन पेस. वो जो प्रेशर दैट पुट्स मेंटल प्रेशर ऑन यू, तो वो अलग अलग किस्म के वर्कआउट्स मेरे लिए क्रिएट करते थे.
जैसे कभी कभी इन द बिगनिंग ही यूज्ड टू मेक मी रन लाइक 400 मीटर के आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं इंटरवल्स 400 मीटर, एक 400 मीटर किया और फिर आपने 50 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर एक और 400 मीटर का 50 सेकंड का रेस्ट लिया, तो एवरी 400 मीटर को करने के लिए टाइम डिफाइंड है, 50 सेकंड के अंदर 400 मीटर करना है. Okay. Yeah, ऐसा कुछ, but which was challenging because then you have to look at the watch and मतलब tremendous pressure. उसके बाद फिर longer intervals भी होते थे, जैसे एक एक किलोमीटर करना है. In the beginning he used to make me run 1 kilometer in 5 minutes. तो उसके अगले वीक में he would say अब की बार 4:45 में करो, next time next week में 4:40 में करो, four thirty में करो. मतलब every week he used to make me run faster and faster. तो मैंने जो है बहुत सिंसियर, मतलब आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग एंड वेरी डिसिप्लिन्ड आल्सो. सो ही रियली पुश्ड मी आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड ही केप्ट चैलेंजिंग मी विद हिज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कआउट्स एंड द वर्कआउट्स सीम्ड सो हार्ड व्हेन आई लुक्ड एट देम. की इन द इवनिंग ही वुड सेंड मी वर्कआउट की ठीक है कल आपने ये करना है. तो इट वॉज सो स्केरी बट स्टिल आई ट्राइड. समटाइम्स मैं अटेम्प्ट करने की मैं बीच में रुक जाती थी तो देन वो ही यूज्ड टू रेप्रिमेंड मी कि नहीं 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 आपने क्यों नहीं किया, यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू कुड हैव डन इट. जैसे एक बार उन्होंने मुझे बोला था कि आपने 2-2 किलोमीटर के रिपीटेशन करने हैं और पेस 4:30 का मेंटेन करना है. ओके, 4:30 का पेस मेंटेन करना है, 2-2 किलोमीटर के रिपीटेशंस करने हैं, बीच में आपको 2 मिनट का रेस्ट लेना है, समझ गए ना, एक 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 इंटरवल क्या 2 मिनट का रेस्ट इस तरह से. तो मैं मुझे वो इतना स्केरी लगा कि मैंने 2-2 किलोमीटर के रिपीटेशन के बजाय 1-1 किलोमीटर का किया. तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे लेकिन दिस इज नॉट द वर्कआउट आई हैड गिवन यू. तो ही वॉज नॉट हैप्पी एंड आई फेल्ट बैड. ही सेड व्हाई डिड यू गिव अप, आपने गिव अप कर दिया, आप कर सकते थे, यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ. तो उसके अगले वीक में मैंने सेम वर्कआउट किया एंड दिस टाइम आई डिड इट, आई कुड डू इट गिवन पेस पर, आई कुड डू इट. देन ही सेड कि देखा मैम मैंने आपको बोला था ना कि आप कर लोगी और आपने कर भी लिया. तो मतलब आप समझ रहे हो ना, वी हैव टू ट्रस्ट द ट्रेनिंग एंड वी हैव टू ट्रस्ट आवर कोच एंड वी शुड गिव आवर 100% बिकॉज कोच नोज यू वेरी वेल. वो आपको ऐसा वर्कआउट कभी नहीं देगा जो आपके लिए देख रहा होता है ना उसे पता होता है हम कहाँ तक हमें पुश कर सकते हैं और कहाँ तक. कभी कभी मैं शुरू में उनको डाउट करती थी, मुझे लगता था मुझे ये बहुत फास्ट वर्कआउट दे रहे हैं और ही शुड अंडरस्टैंड. मतलब आई नेवर सेड टू हिम बट आई यूज्ड टू थिंक आई एम 42 इयर्स ओल्ड एंड ये कैसे वर्कआउट दे रहे हैं, ये तो यंग गर्ल्स की 21-22 की गर्ल्स के लिए तो ठीक है और ये मेरे लिए मुझे इंजरी कर देंगे. मतलब मुझे इवन ये लगता था कि मेरे कोच जो है वो ही डजंट नो मतलब हाउ टू ट्रेन अ वुमन ऑफ माई एज, ऐसे भी मेरे को आता था. लेकिन मैंने डिस्पाइट दैट ना मैं आई जस्ट ट्रस्टेड हिम, आई सेड चलो जो भी आई विल डू इट. But now, after all this progress, now I know that he knew my status and he knew where I stood. And he was right in giving me all those challenging workouts. It was me who doubted at that time. नहीं तो कभी ऐसा भी हुआ रात को नींद नहीं आई क्योंकि मुझे रात को मतलब इतनी टेंशन हो गई कि सुबह उठ के ये वर्कआउट करना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा भी कभी हुआ आपके साथ? Of course. But ऐसा होता है ना, ये thoughts तब तक आते हैं जब तक कि आप शुरू ना कर लो. Once you have started, then you are in it. You are going through the hell, and you have to keep going till it is finished. Hell is finished. और वो जब एक मैसेज करके बताते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके बताते हैं कि आज का हो गया, मतलब ऐसे लगता है जान छूटी, खत्म हुआ, है ना? नहीं, होने के बाद तो you feel good कि हाँ, you feel good about yourself कि I did it, I attempted it, and I came very close or like that. तो बाद में तो अच्छा ही लगता है. नहीं, अच्छा लगता है, पर वही मैं बोल रही हूँ, जब वो मैसेज करके आप उनको बताते होगे, किसी तरह तो बताते होगे, राइट? आई थिंक इज नॉट, कितना बढ़िया लगता है ना वो मैसेज सेंड करना, लाइक दैट प्राउड मोमेंट कि भैया आज मैंने, आज का वर्कआउट खत्म हो गया, आज मैंने पूरा किया, सही किया. एग्जैक्टली. बट अमेजिंग थिंग इज ना, आई डिड सी इम्प्रूवमेंट इन माई फिटनेस. Every subsequent week, there was very significant improvement, and that was all because of all those speed training he gave me. But isme aisa hai na, one should have a good coach.
बिकॉज ऐसे स्पीड ट्रेनिंग बिना कोच के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, देन यू विल लैंड अप गेटिंग इंजर्ड, देयर आर चांसेस. तो हाँ, एक एक्सपीरियंस्ड कोच होना चाहिए, बिकॉज ही नोज कि आपको रिकवरी चाहिए क्या चाहिए ना. अपने आप से ये नहीं हो कर सकते, आई ओके थिंक सो. राइट, सो यू विल प्रेफर कि कोच के साथ करना चाहिए. राइट, एग्जैक्टली, तो हाउ डू यू योर ट्रेनिंग प्लान लुक्स लाइक? अगर शशि जी हम आज अब की बात करें, अब आपका नेक्स्ट वीक का ट्रेनिंग प्लान किस तरह का लगता है, या क्या क्या करते हैं आप एक वीक में अभी? अब लाइक आई टोल्ड यू, अगस्त से मैंने मैराथन ट्रेनिंग स्टार्ट की. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 months मैंने ट्रेन किया. उसके बाद अक्टूबर के मिड से लेकर नवंबर के एंड तक मैंने रेसेस की, 4 races की. सब में पोडियम वोडियम मेरा आया, पीबी भी मेरा आ गया. तो अभी क्या है, नाउ दिस इज दिसंबर गोइंग ऑन, मेरा नेक्स्ट रेस जनवरी 21 को है, दिल्ली में है. 24 आवर स्टेडियम रन है, इन विच आई वुड अटेम्प्ट टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ 24 आवर, विच इज हैपनिंग नेक्स्ट ईयर ओनली. तो उसके लिए 180 इज द बेंचमार्क टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड आई विल ट्राई टू डू बेटर देन दैट, बिकॉज नॉट ओनली आई वॉन्ट टू क्वालिफाई, आई वॉन्ट टू कम इन टॉप 6 टू बी सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप टू रिप्रेजेंट इंडिया. तो वही मेरा फोकस है, और उसी को देखते हुए मैं और मेरे कोच एक साथ काम कर रहे हैं. अभी ब्रॉडली हमारा यही है कि हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 130 किलोमीटर पर वीक, वी विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग द माइलेज अंटिल 150 किलोमीटर पर वीक, देन वी विल रिपीट इट वंस एंड देन टेपर इट डाउन. तो इसमें वी आर गोइंग टू इंक्लूड सम लाइक टेम्पो रन्स, बट लॉन्ग टेम्पो रन्स लाइक 25 किलोमीटर. टेम्पो रन बेसिकली आप एक कंसिस्टेंट स्पेस तेज पेस पे भागते हो. इसके अलावा वी विल डू सम इंटरवल्स, बट इंटरवल आर ऑल्सो गोइंग टू बी लॉन्ग, लाइक 4 किलोमीटर के इंटरवल्स, 4 या 5 उस तरह से. देन लॉट ऑफ स्लो रन्स, एंड बिकॉज एंड अ लॉट ऑफ सम लॉन्ग रन, लाइक 50 किलोमीटर एक दो वीक करेंगे, एंड 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 अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज दिस टाइम वी आर वेरी सीरियस अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज लास्ट इन लास्ट 24 आवर आई हैड सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ नॉट बींग स्ट्रॉन्ग इनफ, दिस इज वॉट आई फील. सो दिस टाइम वी आर फोकसिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स, स्ट्रेंथ ऑफ एब्स, आर्म्स, एवरीथिंग, एंकल्स, एवरी पार्ट वी आर स्ट्रेंथिंग. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप थोड़ा सा एक आइडिया देंगे कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू? हाँ, राइट राइट. वीक में एक एक या दो बार तो फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जिसमें यू फोकस एवरी पार्ट, लाइक यू डू से अबाउट 100 पुशअप्स, 200 स्क्वाट्स, 200 लंजेस, 200 सिटअप्स, देन रेजिस्टेंस बैंड होता है, उससे यू डू वेरियस काइंड ऑफ लेग एक्सरसाइजेस. सम पीपल यू कैन डू विथ फ्री वेट्स ऑल्सो, एंड यू डू कोर वर्कआउट. एब्स के लिए कई किस्म के कोर वर्कआउट होते हैं, प्लैंक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैंक्स होते हैं, और स्पाइडरमैन, बहुत सारे नाम हैं जो आपके बैक और कोर को स्ट्रेंथन करते हैं. तो वो 20 मिनट तक, तो पूरा जो है वीक में दो बार जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, दैट इज अबाउट 90 मिनट्स कंटिन्यूस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू आर डूइंग ट्वाइस अ वीक. अपार्ट फ्रॉम दैट, डेली बेसिस पे आई डू पुशअप्स एंड सिटअप्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड ऑल्सो 15 मिनट्स कोर स्ट्रेंथनिंग ऑल्सो आई एम डूइंग नियरली एवरी डे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इवनिंग में समटाइम्स आई डू 5 किलोमीटर इजी रन होल्डिंग स्मॉल डम्बल्स 500 ग्राम इन ईच हैंड. दिस इज टू स्ट्रेंथन माई आर्म्स एंड शोल्डर्स, बिकॉज 24 आवर रनिंग में क्या होता है, इवन योर अपर बॉडी गेट्स टायर्ड बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली स्विंगिंग योर हैंड्स, सो दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड. तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई एम नाउ फोकसिंग एंड डूइंग वेरी कंसिस्टेंटली नाउ. या नो, आई एम वेरी ग्लैड. मुझे लगता है आप इसके लिए क्वालिफाई करके, बिकॉज यू हैव द हंगर फॉर पोडियम, सो इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी यू नो वी कैन सी सम पोडियम फॉर इंडिया सम टाइम विद योर हंगर इन व्यू एज. दैट्स वेरी नाइस. अच्छा एक चीज़ और शशि जी, बिकॉज यू आर अ वुमेन राइट, नाउ वी हैव पीरियड्स ऑल्सो फॉर 5 days अ वीक, सो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाउ डू यू ट्रेन? डू यू ट्रेन ड्यूरिंग दोज 5 days और Yes, डू absolutely. Yeah, absolutely. I do even in periods, because but then there are some ways you can deal running and during period days. I would recommend that female runners should use tampons and not sanitary pads, because the sanitary pads will give you rashes. Obviously, because when you're running, it is constantly brushing against your skin. However, tampons, they are available in the market of various sizes. So they you don't even feel them, because because they are worn in a certain way, you don't feel them.
एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग देम एवरी मंथ सो दैट आई गेट यूज्ड टू देम. Mm-hmm. And one can run, yeah. In fact, it is more important to run during periods because then you feel nice and light, mm-hmm. you know. Mm-hmm. Yeah, it eases you. मतलब आपकी training में कोई difference नहीं आता during your periods or during non-period day as such? No. I carry my tampons on the long run days and I change it and route. That also I do. But yeah, this it doesn't come in the way of my training. Okay. ओके एंड लास्टली मिशाशी जी, एनी फ्यूल स्ट्रैटेजी दैट यू हैव फॉर योर 24 आवर्स नान, मतलब आप अपनी बॉडी को कैसे फ्यूल करेंगे? यू हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लान या आप अब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो ट्रेनर हैं कोच हैं? नो, आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट. वेल दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू लाइक दे प्रोवाइड यू प्रॉपर मील्स इन द स्टेडियम रन्स, राइट? So I am going to take those meals which they provide. Just I mean stopping and eating properly, mm-hmm. because you are used to eating like proper meals in specific times. तीन में तीन बार तो सब लोग खाते हैं. तो आपका 24 घंटे चल रहा है. तो उसमें जो आपकी आपका ब्रेन और बॉडी जब खाना एक्सपेक्ट कर रहा है उस समय आपको वो खाना जो आप नॉर्मली घर पे खाते हो वो अगर खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी. लेकिन रनर्स क्या करते हैं, दे स्किप, दे वुड स्किप लंच, दे वुड स्किप डिनर, दे वुड स्किप ब्रेकफास्ट इन 24 आवर. सो दिस आई डोंट वांट टू डू बिकॉज दिस विल गो अगेंस्ट यू. नाउ सेकेंडली दूसरा चीज है कि नाउ ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई एम ट्राइंग टू गेट यूज टू certain kind of foods which I like to eat so that us din bhi jo hai main usko easily kha sakun. For example, gulab jamun I like, so har ghante gulab jamun kha liya. Energy gels I'm going to have, lekin wo aap at 24 hour mein bahut zyada energy gel kha nahi sakte because wo after a certain time it gives you sickness. So मैं एक प्लान बनाऊंगी. प्लान क्या है ना, इतने अच्छे से फॉलो नहीं हो पाते हैं बेसिकली, लेकिन बट वी हैव टू मेक सम प्लान एंड ट्राई टू स्टिक टू इट. देन बेसिक इसमें ये है कि आपको हर घंटा 200 कैलोरीज लेने की कोशिश करनी है. वो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस फॉर्म में लो. जैसे एक गुलाब जामुन में कितनी कैलोरीज होती है, यू कैन फाइंड आउट, इंटरनेट पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. तो आई डोंट से एवरीवन शुड गो फॉर गुलाब जामुन. आप कुछ और जो आपको पसंद है, मुझे इसे बॉइल्ड पोटैटो पसंद है, तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू हैव गुलाब जामुन बॉइल्ड पोटैटो एंड आई विल सी व्हाट अनदर ऑप्शन आई कैन यूज. एंड बीच में एनर्जी जेल्स भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो. और प्रॉपर लंच और डिनर मैं खाऊंगी, ये मैंने सोचा है. अगले दिन ब्रेकफास्ट आई विल स्किप बिकॉज अब तो रेस खत्म, सुबह शुरू हुई अगले दिन सुबह खत्म ही जाएगी. तो खैर इट्स नॉट अ बिग डील, खाना इज नॉट अ बिग डील. वो ही बात है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहो एंड वहां पे अच्छा करने की कोशिश करो. Very nice. And I think it was lovely to hear you, Shashi ji. मैं आपसे last question पूछूंगी. What is your, what would you want to say to all the women who think that they should do running? मतलब they should start some physical exercise. आपका क्या message रहेगा, like to tell them as such? Yeah, I would first of all tell them that do some physical activity for yourself. Because to feel good, to feel healthy, to be fit for your own happiness, not to get in shape or to good look to people, because it gives you immense happiness and make it a habit. Because fitness, fit hona is not easy. Without discipline, you can't do it. Make it a habit. In the beginning, you have to push yourself, like mujhe subah uthna hai, itne baje uthna hai, mujhe ek ghanta exercise karna hai. But usko कोई चीज को आप 40 डेज तक लगातार करते रहो तो फिर वो चीज आसान हो जाती है बिकॉज उसकी थोड़ी आदत हो जाती है. तो शुरू में आप एक प्लान बनाओ और उसे स्टिक करो और करते रहो और अपनी खुशी के लिए करो, है ना, किसी के लिए नहीं करना है. आई वॉन्ट टू फील गुड, आई वॉन्ट, अभी क्या है, एक घंटा दौड़ के आओ, यू फील नाइस. बिल्कुल, I can understand being a runner. थोड़े दिन बाद अगर sometimes you have to be selfish also in this. Right. Because हमारी society ऐसी है, they think that people might think, people around you might think कि even if you are doing something for your fitness, it is being selfish. They want that you should do all the responsibilities and duties and find time for it. No. You make it your priority. Correct. Make your fitness
योर प्रायोरिटी इवन इफ इट लुक्स सेल्फिश टू पीपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ एंड योर ओन फिजिकल हेल्थ या बहुत अच्छी बात बोली आपने. मैं इस चीज को बिल्कुल अग्री करती हूँ. पीपल थिंक दैट वीमेन हु आर डूइंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स आर सेल्फिश. इट्स दे आर वन हैज टू बी सेल्फिश टू ब्रिंग दैट हैप्पीनेस टू देमसेल्व्स. और अगर हम खुद खुद खुश है ना पूरा घर को हम खुश रख सकते हैं. अगर खुद ही खुश नहीं हो ना पूरा दिन घर पर बैठ के सेल्फी करना कोई आसान बात नहीं है हमारे लिए. इससे अच्छा है एक घंटा जाओ दो घंटे जाओ अपना एक्सरसाइज करके आओ और उसके बाद आके सबको खुश करो. Absolutely, absolutely. Yeah, 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 yeah. नहीं बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर शशि जी. आई थिंक आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग.